महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी स्तर से लेकर परियोजना अधिकारी तक इन दिनों अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिस कारण सारी की सारी योजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। इसी कड़ी में 23 मार्च को ICDS परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ के द्वारा बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और अपनी परेशानी बताई गई। पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष लता वर्मा ने बताया कि वेतन विसंगति दूर करने की मांग शासन से की जा रही है। वे लोग 1987 में पर्यवेक्षक पद पर विभाग में भर्ती हुए थे। इस दौरान पंचायत इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर कर बराबर वेतनमान था। वर्तमान समय में वे लोग 4200 ग्रेड पे ले रहे हैं और आज भी महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षक महज 2400 रुपये के ग्रेड पे काम कर रही है। ये डिमांड है हम लोगों की कि वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, क्योंकि जब हम लोग सब 1987 में लगे थे तब हम लोगों का पंचायत इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, उद्योग इंस्पेक्टर के बराबर वेतनमान था। आज वो लोग 4200 का ग्रेड पे ले रहे हैं और हम लोगों का 2400 का ग्रेड पे कर दिया है। तो एक तरफ तो विभाग महिला सशक्तिकरण की बात करता है, दूसरी तरफ महिलाओं का वेतनमान एकदम पीछे कर दिया। दूसरी चीज़, हम लोग 35-35 साल की सेवा कर चुके हैं, अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया। यही नहीं, जिला अध्यक्ष श्रीमती वर्मा बताती है कि शासन के द्वारा आगामी दिनों में महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी की भर्ती करने की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान समस्त पर्यवेक्षकों की यही मांग है कि उन्हें पदोन्नति दी जाए, जिससे शासन पर वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। बीते 12 वर्षों से संविदा पर पर्यवेक्षक काम कर रही है, ऐसे में उन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि वे स्वयं व्यापम की परीक्षा पास कर विभाग में सेवाएं दे रही है। तो हम लोग शासन से कहना चाह रहे हैं कि PSC से अभी भी अगले पद की, परियोजना अधिकारी पद की भर्ती बंद की जाए और हम लोगों को प्रमोशन दिया जाए। सरकार पे वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग उतना वेतनमान ले ही रहे हैं। तीसरा, हमारी संविदा बहनें हैं जो 12-12 सालों से काम कर रही हैं, उनको नियमित किया जाए, क्योंकि अब उनकी उम्र नहीं है एग्जाम देने की कि वो अब एग्जाम क्लियर कर सके। ऑलरेडी वो व्यापम की परीक्षा पास हैं। हम लोगों ने असल में केवल ज्ञापन ही सौंपा है, अभी तक हड़ताल पे कभी नहीं गए थे। 35 साल की नौकरी में हम लोग पहली बार हड़ताल पे हैं। मतलब वो शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और पूरी विभाग की योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। केवल पर्यवेक्षण भर नहीं, फील्ड स्तर से जो महिला लाडली लक्ष्मी के आवेदन आने हैं, मातृत्व के आवेदन आने हैं, वो कुछ भी नहीं आ रहे हैं। जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। विधायक श्री बिशेन के निवास स्थल पर ज्ञापन सौंपने पहुंचे परियोजना संघ के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र रानाडे बताते हैं कि एक तो परियोजना अधिकारी हड़ताल पर है, उसके साथ पर्यवेक्षक संघ भी हड़ताल पर है। वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल की वजह से ताले लटके हुए हैं, जिस कारण महिला बाल विकास विभाग की समस्त योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। संयुक्त मोर्चा जो परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक संघ का संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, इसी संबंध में जो हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं उसके संबंध में ज्ञापन देने की आया है। क्या क्या डिमांड है? मुख्य रूप से ग्रेड पे परियोजना अधिकारियों का और पर्यवेक्षकों का जो ग्रेड पे बढ़ाने के लिए था, और अपने जो सुपरवाइजर्स लोगों के लिए जो कहना चाहिए प्रमोशन के लिए था, तभी जो नियमित प्रमोशन है, टाइम स्केल प्रमोशन है, और आपका जो हमारी संविदा की जो पर्यवेक्षक बहन है उनको नियमितीकरण की मांग है। परियोजना अधिकारियों के हड़ताल पर रहने से लाडली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और विभागीय अन्य समस्त काम प्रभावित हो रहे हैं, और इसी प्रकार सुपरवाइजरों के से भी जो परीक्षण का कार्य है निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से लेकर पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी हड़ताल पर चले गए, जिस कारण पूरी योजना ठप हो गई है। यह कहना कहीं ना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन पर्दे के पीछे की जानकारी आपको बता दे तो मध्य प्रदेश शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक योजनाओं का संचालन बखूबी रूप से इन महिला कर्मचारियों के कंधे पर है। इस दौरान कुपोषण से लेकर सुपोषण तक, गर्भवती महिला से लेकर उसके बच्चे तक की जिम्मेदारी का निर्वहन इनके द्वारा किया जाता है। यही नहीं, इस शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक लाडली लक्ष्मी भी इसी विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। तभी तो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मामा जी और इन महिलाओं के भैया हर मंच से ताल ठोक कर कहते हैं कि जब तक भैया है, जब तक मामा है, जब तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज इस भैया के रहते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से लेकर पर्यवेक्षक बहनें 40 डिग्री टेम्परेचर में आंदोलन कर रही है। उनके आंदोलन से सभी योजना प्रभावित, मतलब हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश शासन की खामोशी ने निश्चित ही आंदोलनकारियों की ओर अधिक परेशानी को बढ़ा दिया है। देखना अब यह है कि आंदोलन किस ओर जाता है, कब तक यह समाप्त होता है, कब तक कर्मचारियों की बात मानी जाती है या बीच का कोई रास्ता अख्तियार किया जाता है।